केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भूपेश सरकार पर धान खरीदी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सोच समझकर घोषणा करनी चाहिए थी और अब जो घोषणा की गई है उसे पूरा करें। रेणुका सिंह ने कहा है कि कांग्रेसी सड़क के रास्ते दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। भूपेश बघेल जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब से लगातार ऐसी नौटंकी करते आए हैं। रेणुका सिंह ने कहा है कि सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने किसानों के सामने जो झूठे वादे किए हैं और अब उन्हें पूरा करने की जगह गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ से इकलौती मंत्री हैं। कभी किसी समस्या पर उन्होंने मुझसे 5 मिनट सीएम ने बात नहीं की और सरकार पर असहयोग का आरोप लगा रहे हैं। सरकार बनाने के पहले कांग्रेस ने किसानों के सामने जो झूठे वादे किए हैं, जब हमारे यहाँ पर सरकार थी हम 2100 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की पॉलिसी के कारण हम लोग भी 2-3 साल नहीं दे पाए, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना भी पड़ा, ये आप सब लोगों के सामने है।